हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग तो नहीं, ऑलमोस्ट आफ्टरनून होने वाला है क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं। मैं जा रहा हूँ अभी बैंक में क्लास लेने के लिए, बैंक में क्लास है तो उसके बाद वापस आना है। प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पर, टिफिन का काम। तो वही मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार दोस्तों बनाना पड़ता है यार। कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, बीइंग ए ह्यूमन आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज़ में तो ज़रूर सक्सेस हो गए। लेकिन अगर बैठूंगा कि भाई सरकार कब हमें रोज़गार देंगी, कब हमें जॉब मिलेंगी, तो वो तो पता नहीं यार क्या टाइम आएगा। और हाँ, एक बात मैं ये भी कहूँगा कि जो बंदा मेहनत करता है ना, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। हमेशा ऊपर वाले के भरोसे में भी नहीं रहना चाहिए। तो कीप रॉकिंग गाइस। तो ऐसे हम भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से जाता हूँ, जूते वगैरह पहन लेता हूँ, क्लास लेनी है, उसके बाद बाकी के प्रिपरेशन और कंटिन्यू ब्लॉग करेंगे। सो गाइज, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बैंक, और आज यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। ओनली मंडे और फ्राइडे को ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी सबसे पहले मुझे करनी होगी एंट्री रजिस्टर पे, क्योंकि कोविड के चक्कर में एंट्री ज़रूरी है, कौन आया यहाँ पर कौन गया। तो यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना पासपोर्ट नंबर और ये सब डालना पड़ता है, टाइमिंग की भाई किस टाइम हम आए। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर जल्दी जल्दी से एंट्री करके फिर यहाँ पर टेम्परेचर भी चेक करना पड़ता है अपना। तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन देख लो टेम्परेचर के लिए है। तो हमारा टेम्परेचर नॉर्मल है भाई, और अब चलते हैं सीधे सीधे लिफ्ट से ऊपर। 9th फ्लोर पे जाना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लिफ्ट का। आज बैनर्स डे है तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, देख लो खाली हो गया ऑलरेडी। तो हम भी चलते हैं। सो गाइस, क्लास हो गई है ख़त्म और अब चलते हैं घर जल्दी जल्दी से, क्योंकि भूख बड़े जोर जोर से लग रही है। ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है तो हो ही जाता है टाइम। तो यार क्या करे, भागदौड़ वाली लाइफ है। ये पार्किंग है बैंक का, नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट से होके जाना पड़ता है क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ऊपर, क्योंकि लंच टाइम चल रहा है ना, तो लंच टाइम में ये योगा करते हैं। तो देखो कितने डेडिकेटेड है। मेरे फेस पे काफ़ी धूप पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो इसीलिए कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। तो एनीवे दोस्तों, घर जाता हूँ, ज़रा लंच कर लेता हूँ मैं भी, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, अभी 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हो रही है प्रिपरेशन, किस चीज़ की आपको मालूम ही पड़ गया होगा, टिफ़िन की। तो टिफ़िन पैक करके जाना है, तो उसके लिए देख लो यहाँ पर ग्रेवी बन रही है। एक्चुअली मैं आज बनाने वाला हूँ यहाँ पर, क्या कहते हैं, मटर पनीर। तो ये देख लो, ये मटर है और ये देख लो पनीर। पनीर मैंने काट कूट के रख दिया है रेडी करके, यहाँ पर ग्रेवी तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ये देखो तैयार कर दिया है वेजिटेबल। तो ये मिक्स वेज है दोस्तों, मिक्स वेज भी रेडी हो गया है। और चपाती बनाने के लिए देखो यहाँ पर इतना सारा आटा लगा के रखा हुआ हूँ, तो चपाती भी बननी है। 6-7 ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 6-7 ऑर्डर पैक करने हैं। यार टाइम तो लग जाता है क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कुकिंग अच्छी कर देता हूँ भाई। तो जो मैंने लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो लोगों को मज़ा आ गया खा के, तो बहुत अच्छा लगा मुझे फीडबैक सुन के। तो इससे क्या होगा कि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो यही होता है, कुछ आदमी के अंदर करने का जुनून ज़रूर होना चाहिए, तभी लोग भी आपको मोटिवेट करेंगे। तो लेट्स कीप डूइंग कंटिन्यू, देखते हैं कैसा रहता है आगे आगे। अभी तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि योगा भी हो सकता है कि ओपन हो जाए, तो सारा कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भी देखेंगे ज़रा कैसे हम मैनेज करेंगे, लेट्स सी। और दोस्तों मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ कि जो भी मेरे अभी तक के कस्टमर हैं उनमें से इंडियन कोई एक भी नहीं है, जबकि यहाँ पर इंडियन भी काफ़ी सारे हैं। मुझे नहीं लगता इंडियन लोग खुद बना के खाते हैं या बाहर से खाते हैं, क्या करते हैं। एनीवे अभी ये नहीं है कि भाई मैं तो अभी बनाना शुरू किया, इससे पहले भी तो वो खाते होंगे। तो अभी तक के जो मेरे कस्टमर हैं वो श्रीलंका से है, कुछ वियतनाम के है, कुछ आई थिंक बांग्लादेश से है। तो उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे को सपोर्ट करने के लिए। बाकी हिंदुस्तानी भाई अगर कोई देख रहा है, तो अगर आप आसपास में हैं, अगर आपका मन कर रहा है कुछ इंडियन खाने के लिए, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप भी खा सकते हैं।
एकदम से बिल्कुल डिलीशियस होगा। ये मत सोचना कि एक योगा टीचर बना रहा है तो शायद मजा नहीं होगा, जिनने खा रखा है उनको भी पता होगा कि कैसे मैं बनाता हूँ। तो अगर आपके मन में आ रहा है, मन ललचा रहा है खाने का कुछ स्पेशल, तो भाई आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर स्पेशल मटर पनीर बनने वाला है, एकदम से स्वाद वाला, तो आप खुले दिल से ऑर्डर कीजिए। सो गाइस देखिए ग्रेवी तैयार हो गई थी और इसमें जा रहा है पनीर, क्या कहते हो, पानी आ रहा है मुंह में कि नहीं। आज दोस्तों वेज खाना है, चिकन भी करना ही है, दो ऑर्डर चिकन का भी आया तो है, उसको भी टाइम बनता है तो रेडी कर देता हूँ, नहीं तो इतना काफ़ी है। तो अब थोड़ा सा इसको ज़रा मिक्स करते हैं मटर पनीर को। वाह भाई मज़ेदार, एकदम से सुपर। सो गाइस बन गया है मटर पनीर। अब देखो यहाँ पर आटा कितना सारा है और रोटियाँ भी बहुत सारी बनानी है, क्योंकि आज राइस नहीं है हमारे टिफ़न पर, आज चपातियाँ ही हैं। तो ये देखो यहाँ पर प्रोग्राम रेडी है, तवा रेडी है, तवा नहीं यहाँ पर पैन है मेरे पास, तवा नहीं है, तवा भी मंगाना पड़ेगा अब। तो ऐसे मैं पैन पे ही रोटी बना लेता हूँ। और इधर देखो खीरे टमाटर वगैरह धनिया है, बाकी और सलाद तैयार करना है थोड़ी देर के बाद। पहले रोटी बना लेते हैं, रोटी तैयार करके रख लेते हैं, फिर सलाद वलाद प्रिपेयर करेंगे, फिर टिफ़न की पैकिंग करनी पड़ेगी। अरे टाइम तो लग जाता है यार इसमें भी। तो रोटी बनना भी दोस्तों शुरू हो गया है, और आप भी देखो ज़रा कैसे मैं बनाता हूँ। फर्स्ट रोटी रेडी हो रही है। तो ये है चिमटा रोटी पकड़ने के लिए, रोटी डाली ऐसे इसको सेक दिया, देखो मस्त बनी ना रोटी, फुल भी ना ऐसे, तो फुली फुली भी सी रोटी अच्छी लगती है, देखो मस्त। घर के जैसा खाना, एकदम से मस्त खाना। तो गाइस बना के तो रेडी हो गया है, अब पैकिंग चल रही है। ये रोटी पैक कर रहा हूँ मैं, दिखाते आपसे भी यार, देखो देखना चाहिए। देखना तो दोस्तों फ्री है, खाने के पैसे, खाना फ्री नहीं है। ये गाइस डाल दिया है मैंने इसमें मटर पनीर, कैसा है इधर देख लो बचा हुआ, मस्त है ना। तो ये तो मैं खाऊंगा, सारा बेचने के लिए नहीं बनाया भाई।
तो ये देखो दोस्तों, मिक्स वेज कुछ ऐसी है, इसको भी पैक कर रहा हूँ अब। तो अभी टाइम हो गया है गाइस डिलीवर करने का, पैकिंग शैकिंग जोरों शोरों से चल रही है। देखो यहाँ पर साग सब्जी, ये सलाद है, सलाद पैक हो रहा है, और यहाँ पर टिफ़न अभी दो बाकी और पैक करने, चार पैक हो गए हैं। तो ये रोटी पैक की है। सो गाइस देख लो आप, इतने सारे टिफ़न यहाँ पर तैयार कर दिए है मैंने, पैक करके रेडी है, और बाकी कुछ खाना इधर बचा हुआ है अपने लिए, हम भी तो खाएंगे शाम को। इधर बटर पनीर मसाला बहुत कुछ, तो इसको आने के बाद साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी जाते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी में डिलीवर करके आते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो लेट्स गो। सो गाइस अभी जाके फ्री हुआ हूँ, बात वगैरह लेके, डिनर वगैरह करके, सारा कुछ बर्तन बर्तन साफ करके, क्योंकि वही सफाई भी करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों सिर्फ मैं अकेले अकेले ये सब कुछ बनाता हूँ, मेरी वाइफ भी बीच बीच में आके हेल्प करती है, क्योंकि अम्मी को भी देखना होता है और ऊपर अपना जो डिनर होता है उसको भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो एक्चुअली दो किचन है, एक ऊपर फोर्थ फ्लोर पे, एक जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी टिफ़िन सर्विसेज के लिए। तो दो जगह में मैनेज नहीं हो पाता है, इसीलिए तो वो अपना शाम का खाना प्रिपेयर करती है और बाकी मैं टिफ़िन का प्रिपेयर करता हूँ। तो दोनों मिल के करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ अकेला अकेला लगा रहता है। सो आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है, मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो ज़रा एक लाइक कर देना और बाकी कमेंट कर देना ज़रा कैसा लगा आपको, कैसी मेरी सर्विसेज आपको लग रही है। और दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। तो ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।